ये घर धुलिया शहर के राइफल शूटर तंजिला परवीन का है, जो धुलिया शहर के म्युनिसिपल कॉलोनी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की है। तंजिला परवीन तारिक अहमद ने राइफल शूटिंग के ओपन मुकाबले में तीसरा मुकाम हासिल करके अपने माँ बाप और पूरे मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है, जबकि अभी इस बच्ची की उम्र 13 से 14 साल है। ये वही स्कूल है जहां तंजिला परवीन तालीम हासिल करती है। तंजिला परवीन अभी इस्लाहुल बनात की 9th क्लास में तालीम हासिल कर रही है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर मंजिल हासिल करने का जोश और जज्बा हो तो कोई भी दीवार रास्ता नहीं रोक सकती, चाहे वो फौलाद ही की क्यों ना हो। कुछ इसी तरह तंजिला परवीन के रास्ते में भी रुकावटें आईं, मगर इस बच्ची ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जब इस बच्ची के बाप के पास क्लब में भरने के लिए पैसे नहीं थे तो इस बच्ची ने अपने ही घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी और अपने घर की दीवारों पर ही होल्ड प्रैक्टिस शुरू की। हर गेम में एक कोच हुआ करते हैं, इसी तरह तंजिला परवीन के कोच खुद इसके वालिद तारिक हुसैन है, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को अपनी बच्ची को ट्रेनिंग देते हैं। इस बच्ची के बाप अपनी खुद की बाइक बेचकर शूटिंग राइफल बच्ची को दिलाई। आगे वीडियो में देखिए। तंजिला से बात करते वक्त हमें ये चीज मालूम पड़ी कि आपको, आप जो है उसके कोच है, तो आप ही उसको ट्रेनिंग देते हैं। जी, मैं एक उसका बाप होने के नाते मैं उसको घर पे ने अपने हिसाब से उसको टूटी फूटी ट्रेनिंग देते रहता हूँ। बाकी वो उसके हुनर से या उसकी काबिलियत से वो उसका अपना कर लेती हो। इस लाइन से जो है अक्सर सरप्रस्ट जो है सपोर्ट नहीं करते, आपका कैसे जो है माइंड बना? नहीं, मेरा मानना ये है कि बच्चों को जिस चीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रहे तो उसको उसी के अंदर उसको मोटिवेट करे तो बेहतर रहता है। बच्चों की चॉइस के खिलाफ अगर करेंगे ना तो बच्चा वो कर पाता है ना दूसरा कुछ कर पाता है। तो उसका ऐसा था कि राइफल शूटिंग के अंदर उसको शुरू से उसके अंदर उसको इंटरेस्ट था, तो इसके लिए मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया उसको। उसका वो प्रैक्टिस करती थी और माशाल्लाह उसने नंबर भी लेके आए। तंजिला को आप मुस्तकबिल में जो है किस ओहदे पे देखना चाहते हैं इस लाइन से? आपका कुछ सपना होगा? जी, मेरा सपना तो यही है कि भाई वो आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करे, अपने स्कूल का, अपने शहर का और देश का नाम रोशन करे। कौम बोल दो वहाँ पे, अपनी कौम भी है जो और मेरे देश। मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरी बच्ची मेरे देश के लिए खेले। हाँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो देश के लिए भी खेले, ताकि उसका, समाज का, सबका नाम हो, नाम रोशन। एक चीज ये मालूम पड़ी कि जो है आपने राइफल खरीदने के लिए जो है अपनी खुद की नई बाइक फरोख्त तो कर दी। जी हाँ जी, दरअसल मसला ऐसा है कि मैं घर में ने अकेला ही हूँ जिम्मेदार कमाने वाला, और मेरी तीनों लड़की हैं और ये जो मेरी बच्ची ये 2 नंबर की लड़की है। तो उसमें ऐसा था कि मैं एक ड्राइवर लाइन से हूँ और ड्राइविंग का करता हूँ, और साइड में जो थोड़ा बहुत लेन देन का रहता है, इन्हें कोई चीज लाके बेचने का, ये वो, बस उसमें अपना गुजारा करता हूँ। बाइक का शौक था मुझे, तो मैंने वो थोड़ा जमा कर करके 4-5 साल में मैंने बाइक खरीदा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी को इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है और ये नंबर ला रही है, तो फिर मैंने अपनी बाइक को इन्हें कम भाव में बेच के उसको मैंने ये गन दिला के दिया, ताकि वो उसकी प्रैक्टिस करते रहे। तो ये गन आपको जो है, ये राइफल एयर गन जो है, कितने की मिली थी? जी, मैं ये मेरे को कुछ 12.5-13 हजार रुपए की मिली थी, और मैं इसकी ने अच्छी गन अच्छी लेने के लिए मैंने मालेगांव के अली सर जो है उनसे राब्ता किया था। तो उन्होंने ऐसा बताया कि बोले उनके पास में डीलरशिप है, तो उनके पास से अपने को हिसाब से मिल जाएगी,
और जो स्पोर्ट्स गन रहती है और जो उसको लगने वाली है जो आगे भी उसको काम आएंगी, तो उन्होंने वो गन को मंगवा के दी। स्कूल से जो है इनकी जो है रहनुमाई किस तरीके से की जाती है? स्कूल के अंदर भी इन्हें पढ़ाई में भी माशाल्लाह अच्छी है, और दूसरा उसका डेली प्रैक्टिस जो घर पे है वो भी करती है। उसके अलावा इन्हें घर का काम करने के अलावा भी इन्हें इसका टाइमिंग निकाल लेती है, वो अपनी प्रैक्टिस करती है। और स्कूल के अंदर जो है सर टीचर लोग वगैरह जो भी है सब इसको बहुत इन्हें प्रमोट भी करते हैं और इसकी मिसाल भी देते हैं कि बच्ची हर चीज में अव्वल है, पढ़ाई में भी है और स्पोर्ट्स में भी है। घर में जो है किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, क्योंकि राइफल के लिए जो है रेंज उसकी फिक्स रहती है जी, तो घर में किस तरीके से अरेंज हो जाता है ये सब? जी मेरा घर जैसा एकदम बीच का घर है कॉलोनी के अंदर का। साइज बता तो दो। साइज जो उसकी है तो कुछ 12x60 है और इसको 10 मीटर की रेंज लगती है इसकी प्रैक्टिस को, तो मैं घर के अंदर ही उसको मैनेज करती हूँ। जब वो प्रैक्टिस करती है तो घर के लोग सब अलग रूम में आ जाते हैं, उसका प्रैक्टिस करती है 20 शॉट 25 शॉट 15 शॉट जैसा उसका हिसाब रहता है। फिर उसके बाद में इन्हें मेरे पास में तो इतना है नहीं कि मैं उसको क्लब में भेजू या क्लब की फीस भरू इतना करूँ, तो इसके लिए मैंने उसको सब अपना देसी जुगाड़ जिसको बोलेंगे वैसे घर के अंदर उसको पूरा कॉम्पिटिशन जैसा बना के दिया हूँ। आप देख सकते हैं दीवार पर और इधर मैंने उसने सब उसका पॉइंट बनाई हुआ होल्ड प्रैक्टिस बोलते हैं उसको। इस ताल्लुक से जो है आप जो है मुकामी लीडरान उनसे आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ यानी फ्यूचर में क्लब रहना चाहिए जो कम फीस में जो है मुस्लिम लड़कियों को जो है? जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जब वो आज मेरी बच्ची एक चेहरा बन गई है कि भाई समाज के लोग भी लेडीज लोग के और लड़कियों के अंदर गट्स होता है, लेकिन बहुत से लोग वो चीज का इंतजाम नहीं रहते हुए वो अपने आप के गट्स को छुपा लेती है या बोलती नहीं। नहीं तो आज मुस्लिम समाज में बहुत सारी लड़कियां ऐसी है कि बोलते रहिए आप कि ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर बहुत सारी इन्हें गट्स हैं, बहुत सारे इन्हें है जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जा सकती हैं, लेकिन जो इंतजाम नहीं है आज शहर की जो हालत है तो इसके इंतजाम नहीं होते हुए हम ऐसा समझ लो हर रोज एक इंटरनेशनल प्लेयर हम गंवा रहे हैं, हमारे समाज के हम खुद कदर नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने जो बड़े हैं कॉरपोरेटर बोलो चाहे जो भी समाज के बड़े जो हैं उन लोग से सिर्फ ये मुतालबा करूंगा कि कुछ एक ऐसा एक जिम खाना बनाओ जिसके अंदर लेडीज लोग के लिए हर चीज का गेम के हिसाब से जिसको जिसके अंदर इंटरेस्ट है उसके अंदर उसको प्रमोट करो और सबका यानी उसमें योगदान रहेगा तो उसमें फीस नहीं के बराबर रहेंगी और सब चीज की सहूलत रहेंगी, तो अपने समाज की बच्चियां इंटरनेशनल खेल सकती हैं और इंशाल्लाह खेलेंगी। अगर उन लोगों को मैं आज एक छोटे से घर के अंदर जब मैं उसको इतनी सहूलत करके दे सकता हूं कि वो आज मेरा दिल बोलता है कि वो नेशनल इंटरनेशनल खेलेंगे, जब ये सब पूरी सहूलत उसको मिल जाएंगी आज जदीद तरीन जो दौर है सब चीज उसको मुहैया हो जा रही है आज लोगों को, तो गरीब से गरीब घर की बच्ची आज इंटरनेशनल खेल सकती है और इन्हें अपने पैर पे खड़े हो सकती है। मैम राइफल शूटिंग एक डिफरेंट गेम है, तो आप बच्चों को और खुसूसी लड़कियों को किस तरीके से इसमें जो है रहनुमाई करते हैं? लड़कियां हर चीज में आगे जा सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि राइफल शूटिंग हो या और कोई भी, लेकिन लड़कियां हर चीज में आगे जा सकती है। ये लड़की को राइफल शूटिंग से बहुत दिलचस्पी थी, वो हिसाब से इसको मौका दिया गया स्कूल के जरिए भी और घरेलू तरीके से भी उसको मौका दिया गया। उसने खुद भी बहुत कोशिश की, उसके अब्बू से सीख कर और आगे बढ़ने की कोशिश की। टीचर तो सिर्फ इसके साथ रहनुमाई में आगे लगे हुए थे। और एक ऐसा मैम कि जैसे आपको कैसे पता चला या कि ये राइफल शूटिंग में जो है, क्योंकि वो ऐसा गेम है कि प्रॉपर उसको खेला जाता है, ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे खेलते खेलते समझ में आ जाता है कि ये उस चीज में परफेक्ट है, तो इस चीज आप इनमें कैसे देखो? तंजीला जो है ये ऐसी लड़की है ज्यादा तो क्लास में बातचीत नहीं करती, लेकिन एज ए क्लास टीचर मुझे वो बहुत मानती थी,
और अभी तक वैसे ही उसका मिजाज है, टीचरों को मानती है, मान लेती है। तो ऐसी बातचीत करते वक्त तंजिला से है, हम लोग स्कूल में भी रहता, प्रोग्रेस पर अपनी दिलचस्पी बतानी रहती, प्रोग्रेस कार्ड पर ये दिलचस्पी क्या है आपकी। तो तंजिला का पहना हुआ मुझे राइफल शूटिंग से मतलब बहुत दिलचस्पी है। और फिर उसके बाद पूछने पे मालूम पड़ा उसकी अब्बू की वजह से सीखी और आगे बढ़ने की उसकी भी लगन है, वो बहुत मेहनत करना चाहती है, आगे जाना चाहती है। तो इसलिए हमको ऐसे मालूम पड़ा कि भाई ये अलग डिफरेंट खेल में हिस्सा ले सकती है या दिलचस्पी रखती है। स्कूल और मैनेजमेंट वालों का इस ताल्लुक से कैसा सपोर्ट रहा, कैसा ताउन रहा उनकी तरफ से मैडम? हाँ, स्कूल वालों को भी जब मालूम पड़ा तो वो भी मौका देना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उसका हुआ भी मुकाबला, लेकिन कोरोना की वजह से ये दो ढाई साल का अरसा, दो साल के अरसे में उसको बिल्कुल कोई भी आगे बढ़ने के कोई मौके हासिल ही नहीं हो पाए। स्कूल वाले तो बहुत चाहते हैं और अल्लाह ताला से भी दुआ करते कि अल्लाह ताला उसको और मौके और ऐसे अता करे और दे कि वो आगे बढ़े, हिम्मत करे और अपने वालदेन का, अपने स्कूल का, पूरे दुनिया का नाम रोशन करे। एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसे सरपरस्तों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी लड़कियों को घर एक ऐसा समझते हैं कि ये घर की चीज है, बस चार दीवारी में ही रहना चाहिए? सरपरस्त तो समझते हैं कि लड़कियों को तो चार दीवारी में रहना चाहिए, आजकल माहौल की वजह से सरपरस्त ये अलग है, सरपरस्त भी इतने लड़कियों को कैद करके रखना नहीं चाहते, लेकिन माहौल की खराबी की वजह से और बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें लड़कियों को मतलब। हाँ, आप क्या मतलब उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप शरई तौर से जो है इस खेल को जो है बाकायदा पर्दे में ही खेला गया। हम लोग ये कह सकते हैं कि लड़कियाँ हमारे इस्लाम में तो पर्दा है, क्योंकि पर्दा रखना चाहिए, हम पर्दे में रहकर भी, ऐसा नहीं है कि हम पर्दे में रहकर कोई काम नहीं कर सकते, पर्दे में रहने के बावजूद भी हम। एक मिनट मैम, ये जुमला जरूरी है, वो कट गया तो मुश्किल हो जाएगी। बस हो गया, बस हो गया। हाँ बस चलो, ये कंटिन्यू करो मैम जी। वालदैन को जो है आप सरपरस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तमाम सरपरस्तों को तो हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को हर जो लड़कियां जो जिस चीज में दिलचस्पी रखती हैं तो हम उसको ऐसे मौके फराहम करते जाएं, ताकि लड़कियां जो है सिर्फ अपने घर में दब कर न रहें। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का काम सिर्फ घर में रहकर काम करना है, लड़कियां हर फील्ड में आगे जा सकती है, हर काम कर सकती है, इसके साथ पर्दे के इत्माम के साथ भी लड़कियां सारे काम अंजाम दे सकती है, लड़कियां किसी से कम नहीं है। कोई भी लड़की हो अगर वो इसी तरह से बहुत सारी मेहनत लगन के साथ अपने काम को अंजाम देती रहेंगी तो हर फील्ड में आगे जाएंगी, और हर फील्ड में आगे जाकर वो अपने हर ऊंचे ऊंचे ओहदे पर फाइज हो सकती है, ऊंचे ऊंचे काम कर सकती है, इसी तरह अपने कौम मिल्लत के लिए काम कर सकती है।